आपको जय मसीह की आज शाम की प्रार्थना में हम सब लोग उपस्थित हुए हैं। तो प्रार्थना को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में आमीन जरूर बोलिएगा। तो चलिए हम प्रार्थना को शुरू करते हैं। धन्यवाद धनेन्द्रेश्वर के पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर इस सुंदर से शाम के लिए पिता परमेश्वर, जो तूने हर एक मसीह भाई बहनों को प्रभु जी संभाल कर रखा, जीवित रखा पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। कितने तो होंगे प्रभु जी जो आज के शाम ना देख पाए होंगे पिता परमेश्वर, लेकिन तुम महान है प्रभु जी जो हमको हम सबको जिंदा और जीवित रखा और आज शाम दिखाई पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सुबह से लेकर शाम तक संभाल कर रखा प्रभु जी, आज के दिन प्रभु जी जो गुनाह जो गलती हुआ है हम सबों से, हमारे अपराधों और गुनाहों को क्षमा कर पिता परमेश्वर। हम मनुष्य जाते हैं पिता परमेश्वर, हमसे पाप सब होते रहते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन क्षमा करने का अधिकार यीशु मसीह सिर्फ आपको दिया गया है पिता परमेश्वर। हम सबों के अपराधों गुनाहों को क्षमा कर पिता परमेश्वर, और हम सबों के दिल को भली भांति धोकर शुद्ध कर पिता परमेश्वर, ताकि तेरे सामने खड़े होने की योग्य बने पिता परमेश्वर। जैसा तू पवित्र है वैसे हम सबको पवित्र बना पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति और बढ़ाई हो पिता परमेश्वर, तेरे नाम की प्रशंसा हो प्रभु जी, तेरे नाम की जय जयकार हो पिता परमेश्वर, क्योंकि तू महिमा करने की योग्य है पिता परमेश्वर, तारीफ करने की योग्य है, प्रशंसा करने की योग्य है पिता परमेश्वर। आपके नाम की बढ़ाई होती रहे प्रभु जी, युग नियुग प्रभु जी आपकी प्रशंसा होती रहे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपके नाम के झंडे हर एक जन पिता परमेश्वर खड़ा करे पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि तुम मुर्दों में से जी उठाए यीशु मसीह, मुर्दों में से तीसरे दिन यीशु मसीह जी उठा है। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, जितना धन्यवाद करो उतना ही कम है, क्योंकि सारा दिया हुआ तो तेरा है पिता परमेश्वर। उद्धार करता परमेश्वर तो तू है, सिर्फ हमारा उद्धार ही करता परमेश्वर यीशु मसीह है, वो वही हमारा उद्धार कर सकता है। पाप क्षमा करने का अधिकार सिर्फ यीशु मसीह को दिया गया है, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार भी यीशु मसीह को दिया गया है प्रभु जी। हम तेरे सामने खड़े होने के योग्य बने पिता परमेश्वर, जैसा तू है वैसे हम सबको बना प्रभु जी, हम तेरे जैसे बने पिता परमेश्वर, अपने समान पड़ोसियों से प्रेम करें पिता परमेश्वर। प्रभु जी मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, जबकि एक आत्मा बचती है पिता परमेश्वर तो तेरे स्वर्ग में बहुत आनंद बहुत खुशी मनाई जाती है पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रभु हम शैतान के हर बंधनों से खुल सके आजाद हो सके पिता परमेश्वर, हर एक मसीह प्रभु जी आज भी पिता परमेश्वर पाप में जूझ रहे हैं, शैतान के बंधनों में फंसे हुए हैं पिता परमेश्वर, जकड़े हुए हैं पिता परमेश्वर। आपके समर्थी नाम से खुदा ने यीशु मसीह आपकी दलाली नाम से पिता परमेश्वर वो सारे बंधनों से खुल सके आजाद हो सके पिता परमेश्वर, वो सिफा रिलीज करने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया, वो सारे बंधनों से उस शैतान के सारे बंधनों से यीशु मसीह आपके समर्थी नाम से खुल सके। हालेलुया प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि शैतान तो हमें पाप में गिराता है पिता परमेश्वर, लेकिन पाप में गिरने से यीशु मसीह तू ही हम सबको रोक सकता है बचा सकता है पिता परमेश्वर, तो हमसे बहुत प्रेम करता है पिता परमेश्वर। प्रभु जी अनंत काल का जीवन तो सिर्फ तू ही देता है पिता परमेश्वर, हम सबको प्रभु जी अपने मार्ग पे चला पिता परमेश्वर, जो तेरा चुना हुआ है पिता परमेश्वर, हम उसी मार्ग पे चले पिता परमेश्वर और तेरे वचनों में स्थिर रह सके और तेरे वचनों में मजबूत होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी जो हम सब वचन पढ़ते हैं पिता परमेश्वर, हम सब को वचन जो पढ़ते हैं पिता परमेश्वर, हम सबके जीवन में 100 गुना फलवंत होने पाए पिता परमेश्वर, उस वचन के द्वारा हम अपने जीवन में पिता परमेश्वर फल लाए पिता परमेश्वर, फलवंत होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी एक हिरनी नदी के जल के लिए हफ्ती है, वैसे ही हर एक मसीह प्रभु जी तेरे लिए हफ्ता है पिता परमेश्वर। प्रभु जी मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ हर एक मसीह को पिता परमेश्वर, अपनी पंखों तले छिपा के रख पिता परमेश्वर, ताकि शैतान की छाया ना पड़े पिता परमेश्वर, शैतान के हर एक बंधनों से बचा प्रभु जी, रक्षा कर पिता परमेश्वर। तेरे वचन में लिखा है पिता परमेश्वर तेरे भक्त जहाँ जहाँ जाते हैं तेरे स्वर्गदूत उनकी रक्षा मदद करते हैं पिता परमेश्वर, जो इस समय प्रभु जी रात को आते जाते हैं पिता परमेश्वर उनकी रक्षा मदद कर पिता परमेश्वर, उनको हर घर एक खतरे मुसीबत से बचा पिता परमेश्वर, अच्छे से वो घर आ सके पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, जो हर मसीह प्रभु जी रात को सोते हैं प्रभु जी उन्हें डर लगता है पिता परमेश्वर, दुष्टात्माओं डराती है पिता परमेश्वर, गंदे सपने आते हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह आपके समर्थित नाम से उनके शरीर से पिता परमेश्वर वो दुष्टात्माओं का कार्य पिता परमेश्वर आपके समर्थित नाम से दूर हो सके पिता परमेश्वर, वो अपने आप को सिफा रिलीज करने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी उनके शरीर से दुष्ट आत्माओं का कार्य निकल सके पिता परमेश्वर, वो शैतान के हर बंधनों से खुल सके आजाद हो सके पिता परमेश्वर, और तेरे नाम की प्रशंसा तेरे नाम की महिमा करे पिता परमेश्वर। जो इसमें हॉस्पिटल में पिता परमेश्वर है उनको सारी बीमारियों से रोगों से चंगा कर पिता परमेश्वर, उन पर प्रभु जी तेरा शिफा का
आशीष का हाथ हो पिता परमेश्वर, वो अपनी सारी बीमारियों से आजाद हो सके, अपनी सारी बीमारियों से छुटकारा पा सके पिता परमेश्वर, उनकी सारी बीमारियों को चंगा कर पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु जी उनको ठीक कर दे पिता परमेश्वर, वो अपनी बीमारियों से चंगे होने पाए पिता परमेश्वर, उनको बुद्धि और समझ दे पिता परमेश्वर। सच्चा परमेश्वर तो तू है, तू ही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। हाँ प्रभु जी, हर एक मसीह प्रभु जी तुझे उद्धार करता यीशु मसीह के रूप में ग्रहण करे पिता परमेश्वर, स्वीकार करे पिता परमेश्वर। हम प्रभु जी तेरे ही वचनों के अनुसार चले, तेरे ही चलाए चले पिता परमेश्वर। हम सबको शैतान के हर एक बंधनों से और जाल से छुड़ा बचा पिता परमेश्वर, बचाने वाला खुदा तू है पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। किसी को तो प्रभु जी धन का सहारा है, अपने महल का सहारा है, लेकिन मेरा सहारा, मेरा भरोसा तो यहोवा पर है, क्योंकि वही हमें हर एक संकट से छुड़ाता है। संकट के दिन यहोवा को पुकारो, तुम्हारी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। कुछ संदेह ना करो और विश्वास से प्रार्थना करो, यीशु तुम्हारी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। संदेह करने वाले समुद्र की लहरों के समान होते हैं। जो सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से प्रभु से प्रार्थना करता है, वो उसकी प्रार्थना को जरूर सुनता है और अपने पवित्र स्वर्ग से उसकी प्रार्थना का उत्तर देता है। प्रभु जी जो मैं इस समय प्रार्थना कर रही हूँ पिता परमेश्वर, जो मेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी उनको बुद्धि और ज्ञान दे पिता परमेश्वर, वो सारी बीमारियों से आजाद होने पाए पिता परमेश्वर, उनको आशीष दे, उतरे प्रेम उतरे पहचान में बढ़े पिता परमेश्वर, वो सारी बीमारियों से छुटकारा पाए पिता परमेश्वर, उनको शिफा रिलीज होने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हर एक मसीह की सहायता मदद को पूरी कर पिता परमेश्वर, उसकी इच्छा उसके मन को जांच पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आज के शांत हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगती हूँ, आमीन।